Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Parul Tyagi, I am the College of Law, and today my lecture topic is Alauddin Khilji Administration. Okay, Khilji Dynasty. Firoz Jalal Uddin Khilji, जो कि रिश्ते में उनके अंकल यानी चाचा लगते थे, उनके ससुर भी लगते थे, उन्होंने 17th मई को उन्होंने खान यानी कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश है इसके फाउंडर माने जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ, खिलजी वंशों ने स्टार्ट तो किया बट क्या वो कितने टाइम तक इसको कंटिन्यू कर पाते। रीजन ये था कि उनका भतीजा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा एम्बिशियस था और उसने टाइम पीरियड में ही अपने चाचा फिरोज अलाउद्दीन की डेथ यानी मर्डर कर दिया था और उसके बाद खुद राजा बन गया था। और इसके साथ ही भारत में जो एक हिंदुत्व की एक छोटी सी आग बची थी कि शायद कभी हिंदू शासन भारत में दोबारा आ जाए, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके साथ ही उसने बहुत बड़ी डायनेस्टी बनाई और कैसे उस पर राज किया, ये सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। उसका शासन आता है जो कि सबसे ज्यादा आज भी जाना जाता है, उसकी मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने की वजह से वो पूरे इंडिया को अपने अंडर करना चाहता था। इतना ही नहीं, वो अपने आप को शैडो कोर्ट भी मानता था, यानी कि अल्लाह के बाद सब तीसरा स्थान उसी का था। अल्लाह ने उसे यहाँ पर शासन करने के लिए भेजा है ऐसा वो मानता था। इसके साथ ही कानून बनाने, कानून को लागू करने और कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने वाले का अधिकार भी उसने अपने पास ही रखा था। वो मानता था कि सारी पावर इसी के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अलाउद्दीन को निरंकुश नहीं कहेंगे। रीजन क्या था, क्योंकि वो भले ही उसने सारी पावर अपने पास से रखी थी, भले ही वो अपने अपने आप को शैडो कोर्ट मानता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी प्रजा के लिए काम करता था। उसकी मार्केट पॉलिसी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो यानी सुल्तान की पोस्ट सबसे हाईएस्ट थी, सारी पोस्ट वो ही देखता था और इसके अलावा उसने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में रखा था। तो हेड तो वही था, लेकिन जब हेड आप होते हो तो भी आपको एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, आपको एक ऐसी काउंसिल मिनिस्ट्री चाहिए जो आपके हर लेवल पर काम कर सके और अपनी ड्यूटीज कर सके। इसी तरह से उसके एक पूरी एक उसके पास मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री यही काम करती थी उस समय कि पूरी जितनी भी उसकी काउंसिल मिनिस्ट्री थी वो सारे डिपार्टमेंट को अच्छे से देखती थी, लेकिन उसको जो जवाब देना होता था वो सुल्तान को देना होता था। फर्स्ट फोर्थ है वजीर, वजीर सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन था आफ्टर सुल्तान, यानी सुल्तान की अब्सेंस में सारा काम वजीर ही देखता था, जो ड्यूटी सुल्तान की थी वो वजीर करता था। इसके अलावा जितने और काउंसिल मिनिस्टर थे उनको भी सबको भी वजीर ही देखता था। सेकेंड पोस्ट है अरज़ी ममालिक, ये आर्मी हेड था, ये वॉर आर्मी सब कुछ इंचार्ज था। प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग करना, वॉर के टाइम अपनी आर्मी को लीड करना, सारा काम अरज़ी ममालिक का था। लेकिन इसके बावजूद बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद अपनी सेना का संचालन करता था। नेक्स्ट पोस्ट है काज़ीम कज़्ज़ाब, ही वाज़ इन चार्ज ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, पूरा सबसे बड़ा न्यायाधीश यही था। सेंटर में बैठते थे जितने भी बड़े मुकदमे होते थे, काज़ीम कज़्ज़ाब भी देखते थे, अगर कोई काज़ीम कज़्ज़ाब से सेटिस्फाई नहीं होता था तो वो अपना मुकदमा सुल्तान के पास ले जा सकता था, क्योंकि अंतिम निर्णय सुल्तान का ही माना जाता था। ऑडिटर जनरल, ये सारे सुल्तान जितनी भी सल्तनत थी उसका पूरा रिकॉर्ड रखते थे। दीवाने आरज, दीवाने आरज आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी सुल्तान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, तो दीवाने आरज के थ्रू यानी मीर अर्ज के थ्रू वो अपनी एप्लीकेशन राजा तक पहुंचा देते थे और इस तरह से वे एप्लीकेशन मिनिस्टर के तौर पर भी जाना जाता है। बख्शी ये फौज, ही वाज द पे मास्टर ऑफ द रॉयल आर्मी, जितने भी आर्मी थी उनको पे करने का काम, सैलरी देने का काम बख्शी फौज का ही था। अमीर कोही, ही वाज द चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जितना भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम था वो सभी अमीर कोही ही देखता था। कोतवाल, ये सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक आपके राज्य में शांति ना हो, व्यवस्था ना हो, तब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अलाउद्दीन ने पोस्ट के लिए खुद इसको नियुक्त करता था और ये ध्यान रखता था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाए। तो कुल मिला के जैसे आज के टाइम में पुलिस अपना काम करती है हाई पोस्ट होती है, ठीक कोतवाल भी ऐसा ही था, वो यही काम करता था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और राजा को इसको आंसर करना होता था हर चीज के लिए। अपने स्टेट को बहुत अच्छे से चलाने के लिए, बहुत अच्छे से चलाने के लिए
अलाउद्दीन ने अपने स्टेट को प्रोविंस में बांटा हुआ था। अलाउद्दीन की जो प्रोविंस थी वो 11 थी, यानी उसने अपने पूरे राज्य को 11 प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसमें जो सबसे मेन थी वो थी गुजरात, मुल्तान, समाना, उज्जैन, चित्तौड़, चंदेरी, दंडायु, अवध, काड़ा। ये वो स्टेट थी जो अलाउद्दीन ने अपने टाइम पीरियड में जीती थी। इसमें सबसे मेन तो चित्तौड़ी है, और चित्तौड़ को जीतकर उन्होंने हिंदुओं का जो एक सपना था, हिंदुत्व राज्य का सपना था, वो खत्म कर दिया था। इसके साथ ही रणथंभौर विजय भी उनकी सबसे फेमस रही है, क्योंकि उससे भी हिंदुओं का सपना बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया था कि अब भारत का शायद ही कभी भारतीय जो ये हिंदू राजा कभी गद्दी पर बैठे। इसी के साथ ही उसने 11 स्टेट्स में, अपनी इन 11 प्रोविंस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक हेड चुना था, जिसे गवर्नर कहते थे। ये चीफ एग्जीक्यूटिव था, प्रोविंस इंचार्ज था, और रेलवे कलेक्शन ये ही करता था। इसके अलावा ही वो तो ऑल्सो द इंचार्ज ऑफ प्रोविंशियल आर्मी, पूरी आर्मी ये देखता था। आज के टाइम में जैसे हमारे सीएम की ड्यूटी होती है, तो सर ऐसे ही गवर्नर की ड्यूटी होती थी। ये पूरा सिस्टम देखता था, पीस मेंटेन करना एंड रिंग कलेक्ट करना, ये काम इसका था। लेकिन इसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो सुल्तान खुद करता था, और ये अपने कार्य के लिए पूरी तरह से सुल्तान पर ही निर्भर था। इसे हर एक रिपोर्ट बनाकर हर एक चीज सुल्तान को देनी पड़ती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि इसने अपनी ड्यूटीज की और ये किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, नहीं, इसको अपना सारा पूरा रिपोर्ट रखना होता था। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो अलाउद्दीन सीधे उसे उसकी पोस्ट पे हटा भी सकता था। कुल मिलाकर उसने कोई भी पोस्ट परमानेंट नहीं रखी थी। कितनी बार ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन में, कि यदि उसको किसी के काम से सेटिस्फाई नहीं होता था तो उसको तुरंत वो हटा देता था। इस तरह का उसने माहौल क्रिएट किया था ताकि लोगों में एक डर रहे और वो अपने कार्य के लिए बहुत होनेस्टी से अपना कार्य करें। प्रोविंस को आगे चल के फरंगना में डिवाइड किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले उसका पूरा स्टेट, स्टेट को उसने प्रोविंस में डिवाइड किया, प्रोविंस को उसने फरंगना में डिवाइड किया था, फरंगना लाइक डिस्ट्रिक्ट। बताए जाते हैं कि 13 सेंचुरी के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अच्छी चीज यही देखने के लिए मिली थी कि अलाउद्दीन ने कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया था। बहुत अच्छे से उसने पूरा ये उसको स्टैब्लिश किया था। एक आमिल करके एक अधिकारी होते थे जो उसके हेड होते थे, लेकिन इनका भी काम आना था, भी काम सेम वही होता था जो काम प्रोविंस हेड का होता था, वो ही पीस मेंटेन करना, रेलवे सिस्टम का ये पूरा इंचार्ज होता था। इसके अलावा जो भी परंगना में होता था उसके लिए इन्हीं को आंसर करना पड़ता था। तो कुल मिलाकर ये इसके बाद परंगनाओं को विलेज में डिवाइड किया गया था। विलेज 100 विलेज होते थे, 100 का एक पूरा ग्रुप होता था, उनका एक हेड बनाया जाता था। तो कुल मिलाकर ऐसे 100 100 विलेज के ग्रुप्स होते थे, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन उस समय वहां के जो मेन होते थे, जैसे चौधरी, मुकदम, पंचायत होती थी, पूरी मेन इन्वॉल्व होते थे। वैसे तो अगर देखा जाए तो उसमें पटवारी भी होते थे जो पूरा जमीन का मुआयना करते थे, पूरा सब देखते थे, टैक्स डिसाइड करते थे, उसके अकॉर्डिंग सारा मेंटेन करते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि सुल्तान जानता था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज की क्या वैल्यू है। शायद इसीलिए उसने कभी भी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरफेयर नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज है, उसने कभी इंटरफेयर नहीं किया। वो जानता था कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो कैसे चल रहा है। आज भी देखें इंडिया में हम डिपेंड तो एग्रीकल्चर पे ही है अभी तक, तो उस टाइम पे तो हम पूरी तरह से ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में कभी वो इंटरफेयर नहीं करता था। और जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए थी अलाउद्दीन सभी प्रोवाइड कराता था। मिलिट्री रिफॉर्म्स कैसे थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अलाउद्दीन बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था, उसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था, और अगर उसे पूरे भारत में अपना अधिकार करना था तो उसे बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत थी। और इतनी बड़ी आर्मी करने के लिए, अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना भी पड़ता है, उनके खाने के लिए, उनकी सैलरी, उनका सब कुछ, उनकी फैमिली, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सोचा कि वो अपनी पूरी जो आर्मी है उसको कैसे मेंटेन करे, कुछ नया कैसे करे। तो उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ फोर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्क्रिप्टिंग रजिस्टर ऑफ सोल्जर टू प्रिवेंट ऑल मॉन्स्टर एंड देखिए इसने पूरा इसमें चेंज किया। क्या चेंज किया, जस्ट लाइक एक हमारा किसी भी चीज को हम बैन कर देते हैं, लाइक हमने किसी को ब्रांडिंग कर दी कि हमारी है, ऐसे ही उससे होस्ट पे एक दाग लगा दे, जिसको नॉर्मली बोलते थे दाग। तो
उसने एक दाग लगा दिया और कह दिया ये होर्स मेरा है, यानी कि उसे पता है ये उसके आर्मी के लिए। ऐसे ही उसने अपने सोल्जर्स का पूरा हुलिया लिखना स्टार्ट किया, पूरा हुलिया, यानी कि ताकि उसे पता चल जाए कि मेरे ही सैनिक है। इसके पीछे रीजन क्या था कि अलाउद्दीन ने दाग और हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया। पहले क्या होता था, जितने भी प्रोविंस एंड फरंगना हेड्स होते थे उनको एक आर्मी दी जाती थी ताकि वो पीस मेंटेन कर सके अपने स्टेट में, अपने लेवल पे। लेकिन वो करते क्या थे कि वो दिखाते थे कि उनके पास 40,000 आर्मी है, लेकिन वो अपने यहाँ भर्ती केवल 30,000 की करते थे, और जब राजा या सुल्तान उनसे मांगता था आर्मी तो 10,000 में किराए खिलाकर खड़े कर देते थे। और इस बात से अलाउद्दीन बहुत अच्छे से परिचित था क्योंकि वो भी एक टाइम पर गवर्नर ही रहा था। इससे उसने इस सिस्टम को खत्म करने के लिए दाग और हुलिया लिखना स्टार्ट किया ताकि उसके जितने भी ऑफिसर्स थे उसे धोखा ना दे सके। उनकी जो पॉलिसी थी, जो उसने इंट्रोड्यूस की हमारे सामने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड हुलिया सिस्टम, वो केवल इसी लिए की थी ताकि उसकी सेना उसके सामने रहे और वो अपनी सेना को पहचान सके, कोई उसके साथ धोखा ना कर सके। सारा सिस्टम इसलिए किया गया था। इसके अलावा उसने जो सबसे अच्छा काम किया था, उसने किया था कि जागीर सिस्टम खत्म कर दिया और कैश पेमेंट करने लगा अपनी आर्मी को। यानी जो अलाउद्दीन से पहले क्या होता था, जितने भी सैनिक होते थे उनको जागीर दे दी जाती थी और उससे जो टैक्स आता था वो रखते थे और उसमें से कुछ परसेंट राजा को देते थे। बट सुल्तान अलाउद्दीन ने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। उसने जागीर सिस्टम खत्म कर दिया और अपने जितने भी सोल्जर्स थे उनको कैश सैलरी देनी स्टार्ट की। अच्छा, उसने कितना पर ईयर, कहते हैं ना हमारे यहाँ आजकल क्या होता है कि हम लोग पैकेज चलता है हमारे यहाँ कि हमारे इतने का पैकेज है पर ईयर, तो अलाउद्दीन ने भी अपने सोल्जर्स का देखिए उस टाइम पे 13th सेंचुरी में फिक्स कर दी थी सैलरी। 234 टंकास पर ईयर वो अपने सैनिकों को सैलरी देता था। इसके अलावा 78 टंकास वो उन लोगों को देता था सैलरी जो उसके सोल्जर्स होते थे, जो मेंटेन करते थे दो हॉर्स, यानी जिसके पास भी जिस भी सोल्जर के पास दो हॉर्स होते थे उसकी सैलरी थोड़ी बड़ी होती थी, उसको 78 टंकास पर मंथ मिलता था। इन सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता था? आरिज़ बिन मालिक। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आरिज़ बिन मालिक जो था सेनापति, वो ही ट्रेनिंग देता था, वो ही इनको इनका प्लेसमेंट करता था और उसके बाद अपॉइंट करने के बाद वो ही जब वॉर होती थी तो उनको गाइड करता था। अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसी भी बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए, मार्केट पॉलिसी तो आज भी हर हर रोज आती है, उससे पहले भी बहुत आई, लेकिन ये पहला अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने मार्केट पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं और वो चेंज काफी अच्छे थे, उसके लिए काफी बेनिफिट हुआ उसको इस चीज का। क्या हुआ, क्या इसकी पॉलिसी थी, आइए हम बताते हैं आपको। What did he do? उसने क्या किया इस पॉलिसी को करने के लिए? सबसे पहले उसने ग्रेन, क्लोथ, वेजिटेबल और अदर जितनी भी नेसेसरी हमारी मतलब लाइफ में जितनी भी जरूरत की चीजें होती है उन सबके प्राइस फिक्स कर दिए। बिल्कुल इससे पहले नहीं था, इससे पहले कोई भी दुकानदार एक ही चीज को 10 रुपए में और एक ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 बता रही, लेकिन सबको टंका चलते रहे, 10 टंका में बेचे और या फिर 5 टंका में बेच दिया, 8 टंका में बेच दिया, कुछ भी फेस नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन ने अपने टाइम पे आते ही सारी चीजें फिक्स कर दी। ओके, इसके अलावा उसने मार्केट में हर चीज का दाम सस्ता कर दिया। ऐसे नहीं कि फिक्स कर दिया तो हाई पोस्ट नहीं, उसने हर चीज का दाम कम कर दिया क्योंकि वो जानता था कि अगर दाम बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, अराजकता फैलेगी, चोर डकैती मारपीट ये इसलिए तो होती है, जब लोग भूखे मरते तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर वो इसी काम में आ जाते क्योंकि बेरोजगारी होती है, पैसा नहीं होता तो लोग बाहर की तरफ झुकते हैं। तो उसने हर चीज फिक्स कर दी बहुत चीप प्राइस पे की। व्हाई डिड ही डू इट, उसने ये सब किया क्यों, उसको क्या जरूरत पड़ी मार्केट पॉलिसी में आने की, इतना दिमाग लगाने की या फिर हर चीज को फिक्स करने की या इतना सब इस पे इतना पैसा खर्च करने की? रीजन क्या था, उसको एक परमानेंट आर्मी चाहिए थी, परमानेंट आर्मी, ताकि वो पूरी इंडिया को अपने अंदर ले सके। अब परमानेंट जो आर्मी है उसके लिए तो पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, वो कहाँ से आए? अब वो लाने के लिए वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, कुल मिलाकर वो अपने राजकोष से एक पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहता था, तो उसने मार्केट पॉलिसी लाई और हर चीज आधी कर दी कीमत की। उससे फायदा क्या हुआ कि जब चीजें सस्ती हुई, मार्केट में सस्ता हुआ, तो आप सैलरी कम दोगे तो उसमें भी इंसान वैसे ही अपना लाइफ जो स्पेंड कर सकता है इजिली, और
इतना ही नहीं, आम नागरिकों के लिए तो जो प्राइस था ही, लेकिन जो मिलिट्री के थे उनके लिए तो प्राइस और भी हाफ था। और यहाँ तक कि जब वो अपने परिवार से दूर किसी वॉर में जाएंगे तब उसकी परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउद्दीन के ऊपर ही होगी, अलाउद्दीन ही उनके पूरा खर्चा उठाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पॉलिसी थी उसमें अपनी मेंटेन करने के लिए हर परमानेंट आर्मी करने के लिए सब कुछ किया उसने, सब चीजें बहुत सस्ती कर दी और उसने आर्थिक स्थिति जो थी उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की, उसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। और इससे इसको एक फायदा और हुआ, टू गेट रीड ऑफ द सोशल इनजस्टिस, ताकि कोई भी समाज में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक शांति बनाए रखे, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, सबको रोजगार मिले, एंड जो ये जो डकैती मारपीट होती है इससे एटलीस्ट बचा जा सके। जब खाने को सस्ता मिलेगा, खाना सबके पास होगा, तो शायद इन चीजों से बचा जा सकता है, ऐसा अलाउद्दीन मानता था। हाउ डिड ही डू इट, कैसे किया उसने सबसे ये सब कुछ? लेकिन सबसे पहले उसने किया खालसा जमीन। खालसा जमीन होती थी, जगीदारी जमीन ऐसी होती थी जो उपहार में दी जाती थी। और अलाउद्दीन से पहले ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास की जमीनें थी, उन्हें उपहार में दी गई थी। अलाउद्दीन ने सबसे पहले उनके से वो जमीन वापस ले ली, उन्हें अपने अंडर में ले लिया, और उससे जो भी उपज होती, जो भी उसके अनाज, जो भी कुछ होता वो उसको स्टोर कर लेता, ताकि लोगों में कभी महंगी चीजें कब होती हैं, जब मार्केट में किसी चीज की कमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में अचानक आपने देखा होगा टमाटर प्याज अचानक से दाम बढ़ते हैं, ऐसा होता है कि उनकी पैदावार कमी नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ मर्चेंट्स क्या होते हैं, उसको जो ये व्यापारी होते हैं उसको स्टोर करके रख लेते हैं और मार्केट में पहुंच ही नहीं पाते, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनके रेट बढ़ जाते हैं। इसलिए उसने अनाज पहले ही रख लिया स्टोर करके, ताकि कभी कोई चीज मार्केट में कम ना पड़े। इसके अलावा उसने जो किया उसने दलाली खत्म कर दी। पहले क्या होता था, किसान और मार्केट के बीच में तक जाने से पहले दलाल होते थे, वो बैठते थे, जिसकी वजह से चीज जब 2 टंकर की होती थी पहुंचते पहुंचते 6 टंकर की हो जाती थी, क्योंकि दलाली बीच में होती थी। तो उसने उस मिलिटरी को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा उसने जितने भी व्यापारी थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा शाना मंडी में, यानी ऑफिस था जिसमें शाना मंडी एक अधिकारी था, अगर आपने उस अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपना सामान मार्केट में ना बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन ने हर चीज का प्राइस फिक्स कर दिया, कोई भी मर्चेंट अपनी मर्जी से किसी भी चीज को ज्यादा या कम दामों में नहीं बेच सकता था। तो कुल मिलाकर काफी अच्छी पॉलिसी थी, और शायद आज के टाइम में जो हो रहा है वो उसने 13th सेंचुरी में उसने वो चीज करके दिखा दी है हमें। ओके, हु असाइन हिम, किसको उसने इस चीज के लिए असाइन किया, किसको उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि वो मार्केट पॉलिसी को अच्छी तरह से चला सके? सबसे पहले आते हैं दीवाने रियासत। ये अधिकारी था मार्केटिंग का, पूरा देखता था सब कुछ, और उससे भी सबसे मेन पोस्ट आती है शानाए मंडी। ये अधिकारी था मंडी का, इसके बिना कोई भी मर्चेंट मंडी में ना तो कोई सामान खरीद सकता था और ना ही बेच सकता था। जितने भी व्यापारी थे इनको इन दोनों के पास आना पड़ता था, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, उसके बाद ही वो मंडी में जाते थे, अपना सामान बेचते थे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये जो दो पोस्ट थी इसीलिए ही रखी गई थी कि कोई भी मर्चेंट विदाउट परमिशन किसी भी मंडी में अपना सामान ना खरीद सके ना बेच सके। इसके अलावा उन्हें रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्हें फिक्स प्राइस होते थे, उनके उनको बता दिया जाता था कि ये प्राइस है, इसके ऊपर ना तो आप कम और ना ज्यादा, आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं दे सकते, हर चीज का प्राइस फिक्स है। स्ट्रक्चर्स एंड हार्श पनिशमेंट क्या करते थे वो लोग? लेकिन बहुत सारी चीजें इन्होंने मार्केट में अच्छा, सब कुछ अच्छा मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। सीरियसली अकबर ने बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑफिसर्स जिनको वो अपॉइंट करता था उनको एक चीज वो क्लियर कर देता था, रिटर्न में उनसे लिखवाता था बिल्कुल कि कोई भी चीज वो स्टोर नहीं करेंगे, यानी कि जितने भी उनके अंडर जितने भी लोग काम करेंगे या मर्चेंट हैं, कोई भी
अपने अंदर किसी भी चीज को स्टोर नहीं करेगा। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सारी फैसिलिटीज दी हैं इन लोगों को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का, क्योंकि ऐसा होता था कि हर चीज हर जगह अवेलेबल नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होते थे, मेट्रो नहीं होते थे, आज के टाइम की तरह एरोप्लेन नहीं होते थे, मालगाड़ियां नहीं होती थी कि सामान दूसरी सामान चला जाए दूसरी जगह। उसने उस समय सौदागरों बंजारों की व्यवस्था की, क्योंकि वो चाहता था कि मार्केट में किसी चीज की कमी ना हो। अगर मार्केट में कमी होगी तो चीज के दाम खुद खुद से बढ़ेंगे। इसलिए उसने खुद भी इतना सब कुछ किया ताकि किसी भी आर्टिकल की डिमांड मार्केट में ना बढ़ सके। इसके अलावा उसने शाहाना मंडी को ये परमिशन दी कि वो बिना किसी भी आर्टिकल के, मतलब कोई भी किसी भी आर्टिकल से अपने अकॉर्डिंग दाम ना लगा दे। यहाँ तक कि उसने एक चीज और कही कि जितने भी अमीर हैं, जितने भी रॉयल पर्सन हैं, जितने भी नॉबल्स हैं, कोई भी कितने भी ऑफिसर्स हैं, अगर वो मार्केट से कोई भी महंगी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, यानी कोई बड़ी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड शाहाना मंडी के पास होना ही चाहिए। कुल मिलाकर वो अपने पास से थोड़ा इधर उधर भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब आती है पनिशमेंट की बात। ये तो पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया कि कैसे वो कहाँ कहाँ से वो सब कुछ फैसिलिटीज करते थे। कोई भी स्टोर नहीं कर सकता था, उनसे सिग्नेचर कराए जाते थे, पेपर वर्क कराया जाता था कि वो कोई भी चीज स्टोर नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं खरीद सकते, अगर महंगा सामान है तो वो सब ठीक है। लेकिन पनिशमेंट क्या थी? देखिए, पनिशमेंट बहुत टफ थी। अगर किसी भी दुकानदार को कोई भी आर्टिकल उसने थोड़ा भी कम ना पाया, अगर उसने मेजरमेंट थोड़ा भी कम कर दिया, तो उस समय उसकी बॉडी से उतना ही फैट या फिर कहते शरीर का कोई भी अंग काट लिया जाता था। ये बहुत बड़ी पनिशमेंट थी उस टाइम। दुकानदारों से कहा गया था कि अपनी दुकानों के बाहर सूची लगवा दें, सामान सूची, यानी जो भी आपका जितना भी आपके पास जितना भी सामान है उसका पूरे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो लिखे और उनके प्राइस फिक्स्ड लिखे। आप उससे एक पैसा कम और एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकते। इसके अलावा यदि किसी ने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, दुकानदार ने किसी ग्राहक के साथ गलत व्यवहार किया, व्यापारियों ने किया, तो उन्हें भरे बाजार में कोड़े भी लगाए जाते थे, और कितने केसेस ऐसे आए कि उन्हें अंधे कुएं में भी फेंकवा दिया गया। तो कुल मिलाकर पनिशमेंट तो सच में बहुत टफ थी। यहाँ तक कि अलाउद्दीन ने अपने टाइम में शराब निषेध कराई थी और सारे शराब खाने बंद करवा दिए थे। उस समय यदि कोई शराब पीता हुआ पाया गया तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी, चाहे कि वो कोई भी हो। यहाँ तक कि अलाउद्दीन के यही रहने वाले काजी थे, उन्होंने शराब पी ली थी, और जब ये बात अलाउद्दीन को पता चली तो उसने उसको इतने कोड़े लगवाए कि काजी वहीं पर मर गया। तो कुल मिला के पनिशमेंट केवल मार्केटिंग नहीं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जो अगर कोई गलती होती थी तो उसकी भी कोई माफी नहीं थी। बहुत टफ था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बहुत टफ था। चलिए, नेक्स्ट रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकला? देखिए, इस पॉलिसी से उसे बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, बहुत ज्यादा। उसे इतनी सक्सेस मिली कि देखिए आज भी उसकी मार्केट पॉलिसी को कंसिडर किया जाता है, याद किया जाता है। उसकी वजह से कॉमन क्लोज, बहुत सारी थिंग्स थी वो बहुत चीप हो गई। यहाँ तक कि हो कैटल मेड सर्वेंट स्लेव, इनके दामों में भी गिरावट आई, जो कि पहले हाई लेवल पे होते। स्लेव तो बहुत महंगे महंगे बिकते थे, इनकी तो मंडी लगती थी और बड़े बड़े दामों पे बिकते थे, लेकिन वो भी उसने फिक्स कर दिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन का एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केट पॉलिसी बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी चीज थी कि अलाउद्दीन ने 14 साल में, अपने जीवन के 14 साल में कभी भी अपने प्राइस चेंज नहीं किए, उसने अपने प्राइस में स्थिरता बनाए रखी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो हमने आपको बताई मार्केट पॉलिसी, क्या इसके तो सारे बेनिफिट्स थे? नहीं। कितने तो ऑफिसर्स ने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि वो कभी भी उनको बोला जाता था कि यदि उनके उसमें कुछ भी घोटाला या कुछ भी गलत पाया गया तो उनको पनिश किया जाएगा, जिसके चलते हर बार रिपोर्ट खराब होते थे और वो इस चक्कर में कितने सुसाइड कर लेते थे। बहुत कम ऑफिसर्स मार्केट पॉलिसी में आने की कोशिश करते थे। लेकिन और सेकेंड बात है, क्या ईमानदारी थी? नहीं। कहते हैं ना, आप कितना भी अच्छी मार्केट पॉलिसी लेके आओ, सब कुछ लेके आओ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ निकाल ही लेते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो दुकानदारों से मिल जाते थे और इस तरह के घोटाले व्यापारियों के रिपोर्ट से हेराफेरी कर दिया करते थे। चलिए, ये तो एक पार्ट है जो हमेशा रहता है, लेकिन यस, अगर ओवरऑल देखो तो अलाउद्दीन का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहा है, एंड उसकी मार्केट पॉलिसी
आज भी कंसिडर की जाती है बेस्ट, उसने की बहुत अच्छी थी, उसने बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, सारी चीजें फिक्स की थी, सब बहुत अच्छे से था। एंड थैंक यू।